अभी हम बात करेंगे मार्केट में सेंसेक्स की। सेंसेक्स के बदलाव कैसे कैसे है उसके बारे में बताएंगे। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट जब थी, जब सेंसेक्स था 9.4, मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, जब का ये बजट है सेंसेक्स 9.4 था, तो उसके हिसाब से आज के हिसाब से हम जब जाएंगे, तो जब हमारी ये निर्मला सीताराम जो थी उसका सेंसेक्स जो लॉकडाउन में -2.4 था, जो अब जाके 5% दिखाया 2022 में। अब 2023 का हमको बजट का इंतज़ार है, अब देखेंगे क्या होगा। -988 जहाँ वहाँ पर चले गया था सेंसेक्स 2020 में। फिर वही निर्मला सीताराम अमन जब 2021 के हिसाब तक जब दिखाया गया था तो 5% तक चले गया, 10.5। तो ये था हमारा मनमोहन सिंह से लेकर निर्मला सीताराम 2021 से 1994 से लेकर 1992 से, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे 1992 में, तब 9.4 बजट सेंसेक्स था, लेकिन अब आकर ये 5 पर चले गया निर्मला सीताराम, वो भी 2021 में। 2022 का सेंसेक्स अभी मालूम होना बाकी है।